हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 11th के 5th लेसन को कंटिन्यू करते हुए, जो अपने टॉपिक छोटा था कि जल मांग अपने पढ़ा था कि क्या होती है पौधों की, जल की जो आवश्यकता होती है वो पौधों की जल मांग होती है। अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है जल मांग। मैंने आपको जल मांग लिखा दी थी कि किन्हीं विशेष फसलों की कौन कौन सी जल मांग होती है, क्या क्या जल मांग होती है, MM में लिखाई थी। इसके बाद में अपने छोड़ा था कि जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, किन कारणों से जल मांग प्रभावित होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड वाटर ड्रेनेज। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं जल मांग को, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो जल मांग को प्रभावित करते हैं? अपने ब्रीफली चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कारक बताया था कि फसलें जल मांग को प्रभावित करती है। लिखते हैं फसल। अब मैं आपको बताता हूं कि फसल किस प्रकार से जल मांग को प्रभावित करती है। आपने देखा था कि अलग अलग फसलों की जल मांग थी वो भी क्या थी, अलग अलग थी। जैसे सबसे ज्यादा जल मांग थी जो गन्ने की थी, कितनी, 1500 से 2500 MM जल मांग थी गन्ने की। इसी प्रकार आपने देखें कि बाजरा की जो जल मांग थी वो 250 से 350-400 तक जल मांग थी। तो देखिए, फसल टू फसल और किस्म टू किस्म वेरी करता है कि अपने को जल मांग कितनी होती है। तो फसल भी जल मांग को प्रभावित करती है और फसल की किस्म भी क्या करती है, जल मांग को प्रभावित करती है। इस बात को अपने लिखते हैं, उसके बाद में अगला पॉइंट अपने पढ़ेंगे। देखिए, जल मांग फसल व फसल की किस्म पर निर्भर करती है। उदाहरण नहीं सॉरी जैसे लिखेंगे, जैसे धान व गन्ना की जल मांग, धान व गन्ना की जल मांग बाजरा दालों आदि से अधिक होती है। सही बात है ये कि बाजरा की जल मांग होती है वो धान और गन्ने की जल मांग से अधिक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह फसल टू फसल वेरी करता है कि जल मांग अपने को कितनी रखनी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपने लिखते हैं, पहला आ गया फसल, दूसरा अपने लिखते हैं मृदा। दूसरा पॉइंट अपने मृदा। अब देखिए, मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए, जिस मृदा में अपने फसल बो रहे हैं वो किस प्रकार की मृदा है वो जल मांग को प्रभावित करेगी। यदि अपने चिकनी मृदा में फसलों की बुआई कर रहे हैं, एक ब्लूई मृदा में फसलों की बुआई कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होगी, जिस मृदा में ब्लूई मृदा होगी रेतीली मृदा होगी उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
क्ले मृदा में, चिकनी मृदा में अपने को कम पानी की आवश्यकता होती है। जो मृदा उर्वर होती है उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, और कम उर्वर होती है, रेतीली कम उर्वर होती है उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि मृदा संरचना सही नहीं है तो भी क्या होती है, खराब मृदा संरचना वाली मृदाओं में भी क्या होती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार से काफ़ी सारे कारक है, कार्बनिक पदार्थ यदि मृदा में ज़्यादा है तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इस प्रकार बहुत सारे कारक है जो मृदा को, जल मांग को मृदा भी प्रभावित करती है। एक एक करके अपने इसको नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन से कारक किस किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करते हैं। अपना फर्स्ट लिखते हैं मृदा की जल संग्रहित करने की क्षमता। मृदा की जल संग्रहित, जो जल भंडारण करने की क्षमता होती है, वह पानी की उपलब्धता, वह पानी की उपलब्धता उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। यही लिख लेते हैं। मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है और पानी रखने की क्षमता, जल संग्रहण करने की क्षमता व पानी की उपलब्धता जो होती है वो उसके भौतिक कारकों पर, भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। इसके बाद में अपने देखते हैं जैसे मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा ताप आदि। जैसे क्या होता है, मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा तापमान आदि, इन सब पे क्या करेगी कि पानी की उपलब्धता और पानी ग्रहण करने की क्षमता डिपेंड करेगी। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से करती है। देखिए, हल्की ब्लूई मृदा में अंतःस्पंदन से पानी की अधिक हानि होती है। अंतःस्पंदन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होती है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का नीचे चले जाना इनफिल्ट्रेशन होता है। पानी की अधिक हानि होती है इसलिए ब्लूई मृदा की जल मांग क्ले या चिकनी मृदा की तुलना में अधिक होती है। ब्लूई मृदा की जो जल मांग होती है वो चिकनी मृदा की तुलना में अधिक होती है। दूसरा, हल्के रंग की मृदाओं की, हल्के रंग की मृदाओं की जल मांग गहरे रंग की मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट अपने देखते हैं, कम उर्वर मृदाओं की जल मांग अधिक उर्वर मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, कम उर्वर जो मृदा होगी उसकी जल मांग क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद में उथली मृदाओं
मर्दों को गहरी मर्दों की तुलना में जल्दी जल्दी पानी तो जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी परंतु कम मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। होती तो जल्दी जल्दी है, तुरंत पानी चाहिए परंतु कम मात्राओं में पानी चाहिए। इसके बाद में अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली मृदाओं में कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं अपने, खराब मृदा संरचना वाले मृदा में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह सब था मृदा का प्रभाव। ठीक है, कि मृदा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है पौधे की जल मांग पर। यदि मृदा संरचना अच्छी नहीं होगी तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, मृदा अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली होगी तो कम पानी की आवश्यकता होगी, उथली मृदाओं में ज्यादा पानी की बार बार आवश्यकता होती है परंतु मात्रा कम आवश्यकता होती है, कम उर्वरक मृदाओं को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और हल्के रंग की मृदाओं को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, हल्की मृदाओं को चिकनी मृदाओं की तुलना में हल्की या ब्लू मृदा को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में एक अपने छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं, फसल प्रबंधन। तीसरा, फसल प्रबंधन। उसके बाद में अपना एक जलवायु टॉपिक इसमें पॉइंट रहेगा। देखिए, फसल प्रबंधन किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे अपने फसल प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। जब जुताई करते हैं तो मृदा संरचना में क्या होता है, सुधार होता है और मृदा की कठोर परत का क्या होते हैं, टूट जाती है। मृदा की कठोर परत टूट जाने के कारण और मृदा की संरचना में सुधार होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब जल धारण क्षमता मृदा की अधिक होती है तो पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसने जल धारण कर रखा होता है, उसके पास जल होता है, उसके पास जल होगा तो वो क्या कर देगी, पौधों को दे देगी और पौधे को पानी की आवश्यकता कम होगी। अधिक जुताई करने से मृदा संरचना में सुधार होता है। जिससे जल मांग में कमी आती है, यानी कि अपने को जल मांग की क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। इसके बाद में यदि अपने बीज दर अधिक रखेंगे, अधिक बीज दर से प्रति इकाई, मतलब प्रति इकाई जैसे एक बीघे में पौधों की संख्या क्या होगी, अधिक बीज दर रखेंगे तो पौधों की संख्या अधिक होगी, जिससे जल मांग में वृद्धि होती है। जल मांग की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब मान लो कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट को पानी चाहिए, उनको मान लो एक कैंपर पानी इनफ रहता है, पर्याप्त रहता है,
तो यदि उसी क्लास में स्टूडेंटों की संख्या 200 हो जाए तो उनको दो कैंपर पानी चाहिए ना। इसी प्रकार यदि अपने फसल की बीज दर ज़्यादा रखेंगे तो फसलें ज़्यादा उत्पन्न होगी, पौधे ज़्यादा निकलेंगे, पौधे ज़्यादा निकलेंगे तो अपने को संख्या क्या रखनी पड़ेगी, पानी की मात्रा क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है। खेत में पलवार या मल्च के प्रयोग से जलमांग में कमी आती है। आप भली भांति परिचित होंगे कि पलवार क्या होती है। पलवार होती है कि भूमि को किसी पतली पॉलीथीन या किसी पौधे के पत्तियों के पौधे के अवशेषों से ढक देना, प्लांट्स के अवशेषों से, फसलों के अवशेषों से मृदा को ढक देना। जब ढक देंगे तो सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ेगी और जल वाष्पीकरण नहीं होगा, तो जल की हानि से बचा जा सकता है। तो जल की हानि नहीं होगी तो वो जो जल बाफ बन के नहीं उड़ेगा वो पौधे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मृदा को कम पानी की आवश्यकता होती है, जल मांग में कमी आती है। जल्दी से इसको नोट कीजिए वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं कुछ तत्वों की, अपने बात कर दी थी जो जल मांग को प्रभावित करते हैं। अब अगला अपना कारक है जो जल मांग को प्रभावित करता है वो है जलवायु। देखते हैं जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है। फोर्थ है अपना जलवायु या क्लाइमेट। देखिए प्रभावित करने वाले कारकों में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जलवायु जरूर आएगा। एग्रीकल्चर में जो भी कोई भी कारक प्रभावित करने वाले हैं उनमें जलवायु जरूर आएगा। अब जलवायु में क्या होता है, एक तो जल होता है, एक वायु होती है, ठीक है। तो जल और वायु होती है, तापमान भी इसके अंतर्गत आता है। देखिए आप खुद सोचिए कि जब गर्मियों का टाइम होगा तो फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी या कम होगी। हाँ, ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो फसलों की जलमांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब बारिश होगी उस टाइम फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि उनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में होगा तो इनकी जलमांग भी क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं अपने यदि सर्दियों की बात करें, सर्दियों में पौधे की जलमांग कम होती है या ज़्यादा होती है। कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल में आर्द्रता होती है जिस वजह से उसको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जल मांग अपने को प्रभावित करती है। लिखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण भूमि की सतह से पानी का बाफ बनकर उड़ना व वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधे की पत्तियों से पानी का बाफ बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन की दर सर्दियों में कम व गर्मियों में अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो सर्दियों में कम होती है और गर्मियों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अतः अपने को गर्मियों में बोई गई फसलों की जलमांग अधिक होगी, अतः गर्मियों में बोई गई फसलों की जलमांग अधिक व सर्दियों में बोई गई फसलों की जलमांग कम होती है। ठीक है कि सर्दियों में फसलों की जलमांग कम होगी क्योंकि वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन से नुकसान कम होगा और गर्मियों में बोई गई फसलों की जलमांग क्या होगी, अधिक होती है। अब अपना यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है सिंचाई का। अब अपने बात करते हैं जल निकाश।
किसकी? जल निकास की। अब अपने सिंचाई और जल निकास दो टॉपिक थे, अपना सिंचाई का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब अपने बात करेंगे जल निकास की, क्या होता है जल निकास। देखिए जल निकास, सिंचाई की अपने बात कर ली, सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि जल निकास क्या होता है, इसके बारे में जल निकास आवश्यक क्यों है, जल निकास नहीं करेंगे तो क्या हानियां होगी, अधिक जल से क्या हानियां होती है, और जल निकास के लाभ क्या है, जल को बाहर निकालने के लाभ क्या है, जल निकास के लाभ क्या है। देखिए जल क्या होता है, जल निकास क्या होता है, निकास मतलब निकालना। देखिए सिंचाई क्या होता है कि पौधों की जल मांग को, जल की मांग को पूरा करने के लिए जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है उसको तो बोलते हैं सिंचाई। और अधिक पानी होने पर, सुनिए ध्यान से, अधिक पानी होने पर जो पानी अपने खेत से बाहर निकाल दिया जाता है, कृत्रिम रूप से खेत से पानी को बाहर निकालना, मृदा में अधिक पानी होने पर या मृदा की सतह पर पानी जो खड़ा रहता है अधिक मात्रा में, उसको कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालने को जल निकास कहते हैं। ठीक है, अब अपने इसको जल निकास की परिभाषा लिखते हैं। खेत में भूमि की सतह पर या अधोसतह पर उपस्थित पानी, अधिक पानी, पानी की मात्रा को, की मात्रा को कृत्रिम विधियों से, कृत्रिम विधियों से खेत से बाहर निकालना, निकालना क्या कहलाता है, जल निकाश कहलाता है। ठीक है, यह होता है जल निकास। अब जल निकास आवश्यक क्यों है, जल निकास की आवश्यकता क्यों। अब अपने प्रश्न है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जल निकास अपने को करना पड़ता है, मजबूरी क्या है कि अपने को जल निकास, जल को खेत से बाहर निकालना ही पड़ता है। देखिए एक तो अधिक मात्रा में पानी भर जाएगा, ठीक है, अधिक मात्रा में पानी भर जाने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, अधिक मात्रा में पानी, यही तो होता है जल निकास। जल निकास करना क्यों पड़ता है कि पानी भर जाता है, पानी क्यों बढ़ता है, इसके कारण अपने को देने हैं, वो इसका उत्तर होगा आवश्यक क्यों है। देखिए अपने जब एक ही सतह पर जुताई करते हैं, एक ही सतह पर जुताई करेंगे, एक ही गहराई पर जुताई करेंगे, तो मृदा में नीचे एक कठोर परत का जमाव हो जाता है, कठोर परत बन जाती है, तो जल क्या होता है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाता। जैसे इस प्रकार से मान लो यहाँ तक अपने जुताई करते हैं, ये मृदा है और यहाँ तक अपने क्या करते हैं, जुताई करते हैं, हर सीजन में अपने यहाँ तक जुताई करते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ जो क्या होगी कठोर एक परत का निर्माण हो जाएगा, तो इस परत से नीचे पानी नहीं जा पाएगा, इस परत से नीचे जब पानी नहीं जा पाएगा तो पानी क्या होगा, मृदा के इस सतह पर पड़ा रहेगा, मृदा के इस सतह पर पानी पड़ा रहेगा। जब यहाँ पे पानी पड़ा रहता है तो क्या होता है कि ये अपने फसलों को खराब करता है, जैसे बहुत सारे तना गलन रोग हो जाता है, तना गलन, अंकुरण नहीं होना, अंकुरण नहीं होना, ये सारे क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। इस वजह से अपने क्या करते हैं कि
गहरी जुताई करते हैं। जब जुताई करेंगे तब इतनी गहरी करेंगे कि इस परत को तोड़ देंगे तो मृदा में पानी क्या होगा, नीचे तक आ जाएगा और मृदा में पानी का संग्रहण ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो पौधों के जल की आवश्यकता भी कम पूर्ति हो जाएगी और अपने को जल निकास भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से अपने को जल निकास करना पड़ता है। एक एक करके अपने पढ़ते हैं कारणों को। देखिए, सबसे पहला कारण, अधोभूमि में कठोर परत के उपस्थित होने के कारण पानी मृदा में गहराई तक नहीं जा पाता है, जिससे पानी मृदा की सतह पर खड़ा रहता है। अब पानी मृदा की गहराई तक नहीं जा पाएगा और मृदा की सतह पर क्या होगा, खड़ा रहेगा। दूसरा कारण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नालियों का आकार छोटा होना। नालियां छोटे आकार की होगी तो क्या होगा, जल निकास में अपने को करनी पड़ेगी, जल पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा। तीसरा कारण, चिकनी जो भूमि होगी उनमें जल का अवशोषण कम होता है। चिकनी भूमियों में जल का अवशोषण कम होता है। अब कौन सी मृदा से अपने जल का निकास करेंगे, जल स्तर ऊपर होगा और ऊपर से वर्षा और आ जाएगी तो वहां पे पानी अधिक मात्रा में होगा। अब इससे क्या करते हैं, जल निकास से लवणीय भूमियों में क्या करते हैं, जल निकास के कारण हानिकारक लवणों को खेत से बाहर निकालते हैं। अब हानिकारक को कैसे निकालते हैं, जैसे पानी से भर दिया खेत को किसके भर दिया, पानी से भर दिया, उसमें जो घुलनशील होंगे अघुलनशील होंगे मृदा में जो भी लवण होंगे वो पानी के साथ घूमते फिरेंगे और पानी को एकदम जड़ से बाहर निकाल देंगे तो वो लवण भी क्या खेत से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपने खेत से बाहर लवणों को निकाल सकते हैं और लवणीय भूमि को बचा सकते हैं। फसलों में लगातार पानी खड़ा रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए जल निकास आवश्यक है। अब क्या होगा, मृदा में यदि पानी खड़ी रहेगा फसलों में तो क्या होगा कि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फसलों के लिए जल निकास इसलिए आवश्यक है। चिकनी व दलदली, जिसमें जल पानी ऊपर ही होता है, दलदली भूमियों में जल निकास क्या होता है, आवश्यक होता है। चिकनी व दलदलों भूमियों में जल निकास आवश्यक होता है। इस जगह पर अपने को क्या करना चाहिए, जल निकास करना चाहिए। अब अपने आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, कल अपने दो टॉपिक कवर करेंगे।
जल निकास के लाभ और जल अधिक जल से हानि, अधिक जल से हानि। अब क्या क्या हानि हो सकती है और जल निकास अपने कर देंगे तो क्या क्या लाभ होंगे, और कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल अपने चैप्टर का लास्ट और रहेगा जल संरक्षण, जल को संरक्षण करना, ठीक है। तो कल अपने मिलते हैं अगली वीडियो में और ये टॉपिक को कवर करते हैं, लेसन को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।